ओह oh, uh, थैंक यू लव यू टू बट आप लोग आए यहाँ पे थैंक यू सो मच यार येस यार आई गेस एवरीबडी हैज़ जर्नी इज डिफरेंट हर किसी की जो जर्नी होती है वो बहुत अलग होती है uh, तो मैं तो बहुत ही एक मिडिल क्लास uh, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ कश्मीर में तो हमारे यहाँ तो एक्टिंग का ए भी किसी को पता नहीं था यू you नो know? दिल्ली भी किसी ने क्रॉस नहीं की थी तो बॉम्बे जाकर एक्टिंग <laughs> <acting> करना वॉज अ फार फेस्ट ड्रीम बट आई गेस समवेयर इट वॉज रिटन इन डेस्टिनी एंड काइंड ऑफ गॉड वॉज काइंड पीपल्स आर लॉट ऑफ लव सो एवरी फेल इन प्लेस कहाँ शुरुआत हुई मतलब कहाँ लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है एज सपना है मेरा? Well, बहुत ही मेरे फादर डॉक्टर थे uh, मेरी मॉम लेक्चर थी उस समय और मेरे बड़े भाई इंजीनियर थे सो so, uh, पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सबसे पहले तो uh, मैं भी उन दिनों पढ़ाई कर रहा था और साथ में मैं uh, एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था सो आई जस्ट इम्प्राम टू एट अ फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट में मैंने वो जॉब छोड़ दी और uh, मेरे फैमिली ने बोला अरे भाई तुमने जॉब क्यों छोड़ दी अच्छा मुझे नहीं करनी इट डजन आई इट्स नॉट फॉर मी मैं कुछ और करूंगा देशहट क्या करोगे अच्छा मैं बॉम्बे जाता हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर बॉम्बे देशहट की तो पता नहीं पागल हो गया क्या हो गया सही वट हैज हैपन टू हिम सो so, वहाँ से शुरुआत तो हुई थी देन उस समय तो मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था सो so, मैंने ग्रास मिस्टर इंडिया के लिए अप्लाई किया था वहाँ से कॉल आ गई थी सो देन आई केम टू मुंबई एंड देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एन एवरीथिंग आई डिड लॉट ऑफ मॉडलिंग लॉट ऑफ हैंड मॉडलिंग लॉट ऑफ प्रिंट शूट्स और उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि आई एम समन हु रियली लाइक्स टू इमोट तो uh, जब इमोट करने की बार आई तो समझ में आया कि नहीं यार आई थिंक आई शुड यू नो एक्ट एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड तो आप जब बोल रहे हो कि आपने पढ़ाई की फिर आपने एक जॉब भी किया फिर आपने जॉब छोड़ा और जैसे आपने कहा कि आपके मम्मी लेक्चरर थी और आपके पापा डॉक्टर सो अफकोर्स एकेडमिकली दे आर वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स एडुकेशन डिफिकल्ट हुआ कन्विंस करने में क्योंकि बहुत अनसर्टेन है प्रोफेशन मॉडलिंग हो या एक्टिंग मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु कम एवरी डे एंड ओनली पीपल्टी मेक इट मे बी बहुत डिफिकल्ट हुआ मैं मुझे याद है उनको सब उनसे बात करने के बाद uh, जब कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर गया तो मैं अपने घर की लेन में जा रहा था सो आई सॉ कि अरे ये तो मेरे अंकल का व्हीकल है अरे ये ये तो मेरे मामा का व्हीकल है अरे ये तो उसका है ये तो भैया का है सो दे वॉज अ प्रॉपर कॉन्फ्रेंस गोइंग एट होम दैट इवनिंग ये लड़का पागल हो गया है जरा इसको देखो इसे क्या करना है सो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी एट दैट पॉइंट माई मॉम सपोर्टेड मी अलॉट बिकॉज आई गेस ऐसी चीज़ों में माएँ होती हैं जो सबको सपोर्ट करती हैं एंड माई मदर सपोर्टेड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड शी सर नहीं इसका मन है इसको जाने दो एंड uh, जब आप छोटे शहरों से होते हैं तो माँ बाप को डर बहुत होता है uh. कि बॉम्बे मुंबई पता नहीं कैसा शहर है क्या होगा यू नो ऑल दोज थिंग्स बिकॉज एज एसाइड अर्यर कि हमारी फैमिली में किसी ने डेली क्रॉस नहीं किया था सो दैट्स ऑफ द जर्नी स्टार्टेड सो आई थे लुक बैक इन हाइग सेक्ट जब आप पूछ रहे हैं तो अगर मेरी मदर ने मेरे सपोर्ट नहीं किया होता सो आई डोंट थिंक आई वुड अबी नीयर बट वेन वॉज दैट दे रियलाइजिल कर लियां महादेव वॉज एक्सेप्टेड इन टू थाउजेंड एंड इलेवन दैट वॉज दैट इट्स रियली बिकम बिग तब तक आई वॉज डूइंग वर्क बट देन यू कि हाँ ही इज डूइंग समिंग वो कुछ ना कुछ करता रहता है बट आई थिंक बिकॉज दैट वॉज द मेन सीरीज दैट गिव मी रिकग्निशन ऑन अ ग्लोबल लेवल एज वेल So, वो एक था यू नो आपने बोला कि सत्रह अठारह साल पहले आपने घर आपने घर छोड़ा और बॉम्बे आ गए इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिन बट उसके बाद चुनौतियाँ जो होती है क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि आप कश्मीर से हो और कोई बैकिंग नहीं है तो बॉम्बे मैं कलकत्ता से हूँ बॉम्बे का पहला साल एक्चुअली बॉम्बे नहीं भी होता कोई भी अलग शहर होता एक प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग um, या फिर बैकग्राउंड से जितना हैव टू बीविलेज राइट आईडर ब्रदर टेन ईयर्स ओल्डर तो वहाँ पर अकेले शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोनली भी होता है ऐसा कभी महसूस किया शहर में पहले पहले ओ oh यसिय yes, छोटे शहर से आते हैं तो चीज़ें उन वहाँ पर बहुत अलग तरीके से चलती हैं छोटे शहरों में यू नो देर इज़ कनेक्शन यू नो हु योर नेबर इज़ यू नो कि यू कैन टेल समन कि अरे यार मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ तुम तो मुझे ये भी दे दो आ, मैं शाम को आके देता हूँ यू नो यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स इन अ स्मॉल सिटी बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर एंड दे नो यू बट वैन यू कम टू अ डिफरेंट सिटी जब इतने बड़े शहर में आते हैं सो so वो चीज़ों को वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है सो आई थिंक एवरीबडी फेस इज़ दो चैलेंजेस इन द दिग्निंग तो वो सब ने फेस किए मैंने भी फेस किए

नहीं उन्होंने कभी इस तरीके का मुझे बोला नहीं कि तुम वापस आ जाओ वो मैंने अपने दिमाग में एक टारगेट सेट किया था दो साल का कि मैं दो साल देखूंगा हाउ डज़ इट गो बट जब मैं आया तो दो साल तक तो मैं आई थिंक मॉडलिंग ही करता रहा और मैं हैंड मॉडलिंग करता रहा तो मुझे मालूम ही नहीं था कि हैंड मॉडलिंग चीज़ क्या होती है यू नो वेन आई वॉज बैक होम मतलब कि अगर आप पेन की एड दिखा रहे हैं तो उस पेन में जो हाथ आता है तो मेरे हाथ पे ऐसे करने के मुझे पैसे मिल जाते थे शास्त्री यार ये बड़ा अच्छा है सिर्फ हाथ या दैट वाज हैंड मॉडलिंग राइट आप फॉर एग्जांपल देर इज क्रीम बॉक्स सो यू जस्ट हैव टू ओपन द द डब्बा द कैप ऑफ द बॉक्स सो यू जस्ट कम एंड ओपन आई वेरी एक्साइटेड आई यार ये अच्छा है मतलब ये लोग सब मुझसे करवा रहे हैं मे बी दैट टाइम आई वॉज न्यू इन मुंबई एंड आई वॉज Young, so my hand, my hand, skin was better. better Right Right now, now, I don't think anybody would Listen, give. Right me. Now, it's better, still better than us. ंग होते हैं और जब जम्मू कश्मीर के होते हैं तो आपके हाथ एकदम लाल होते हैं जब true. आप बाहर निकलते हैं तो आपके हाथ पूरे टैन हो जाते हैं यू नो बचपन में आपकी चाइल्ड में कितनी लिमिटेड रही है रिसोर्सेज हालांकि आपके पापा ऑफ कोर्स डॉक्टर है और मम्मी लेक्चरर बट कभी कभी होता है कि सेंस ऑफ वैल्यू सिखाने के लिए भी मम्मी पापा कुछ चीज़ों को हमारे जैसे होता था कि लाइक माई नीस डजेंट हैव इट आई डोंट नो वाई बट हमारे टाइम पर होता था कि ये चाहिए ना तो ये तुमको अर्न करना है कि तुम इतने मार्क्स लेके आओ या ये करो ऐसा होता था बचपन में आपके साथ नहीं हमें मिलता ही नहीं था हमें ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि ये चाहिए तो ये मिलेगा ऐसा कुछ नहीं था हमारे पिताजी हमको सुबह सुबह चार रुपये देते थे दो रुपये स्कूल जाने के और दो रुपये स्कूल से वापस आने के तो मैं स्कूल तो चला जाता था दो रुपये दे के लेकिन जब मैं निकल रहा होता था तो स्कूल के बाहर एक कुल्चे वाला होता था वो कुल्चे की साउंड इतनी ज़ोर ज़ोर से करता रहता था अगर आप उसको अवॉइड भी करना चाहें ना आपको वो याद दिलाता था कि मैं खड़ा हूँ और वो दो रुपये का हाफ़ कुल्चा देता था तो मेरे पास ऑप्शन होता था कि मैं वो दो रुपये का हाफ़ कुल्चा खाऊँ और घर पैदल जाऊं या मैं दो रुपए लेके ट्रैवल करके जाऊं तो मैं दो रुपए का हाफ कुलचा खाता था और वॉक करके घर जाता था बट यार आई गेस पेरेंट्स हमेशा आपको वो वैल्यू सिस्टम दिखाते हैं

हाउ मेनी रिजेक्शन डिड यू गेट एंड वॉट आर द काजेज ऑफ रिजेक्शन क्या बोला गया आपको सो <laughs> रिजेक्शन so, से मुझे याद आया कि एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ कि हम लोग तो जब मैं बॉम्बे नया नया आया तो हम लोग तीन चार लोग इनिशियली uh, तो बहुत सब सात आठ लोग साथ में रहते थे बट आफ्टर अपॉइंट देव फोर चार लोग थे जो साथ में रहते थे और चारों सेम एक्टिंग uh, के लिए uh, तैयारी कर रहे थे तो so, चारों में बड़ा कंपटीशन होता था अन कंपटीशन कि आज काम पे कोई जाने वाला है कि नहीं <laughs> <laughs> तो एक बार मेरी ऐसी सिलेक्शन हो गई थी किसी एड के लिए सो आई सेड कल मैं सुबह सुबह निकल जाऊँगा तो तुम लोग देख लेना और मैं चला गया मैंने कहा आई विल बी लेट मैं, मैं रात तक आऊँगा सो डोंट वेट फॉर मी एन मैं वहाँ पहुँचा शूट के लिए तो वहाँ पता चला वो डायरेक्टर ने तीन लोगों को शूट के लिए बुलाया है बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कॉन्फिट होता है हाँ कौन होता है वो सामने से देखना चाहते थे फिजिकली तो उन्होंने मुझे आउट कर दिया कि तुम हट जाओ किसी को ले लिया उन्होंने अब मैं ले लिया मैंने कहा चलो ठीक है अब लेकिन मैं वहाँ तो बोल के आ गया था कि भाई मैं शाम को आऊँगा सो आई एम नॉट गोना कम यू नो डोंट सो आई टू स्पेंड द एंटायर डे एट अ मॉल पूरा घूमने के लिए कि हाँ हाँ नहीं नाक नीचे नहीं होनी चाहिए आई वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे आई हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ फैंड विल बी आउट वेरी सून तुम देखना एंड इट नेवर आई आउट Did, did they see later की एक एड में आप नहीं थे या फिर अभी तक उनको पता ही नहीं बट आई टेल देना कौन सा बट yeah. यूजली जब आप जब आप एक्टिंग ऑडिशन दे रहे थे बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई नेटवर्किंग या फिर आपका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता तो आपको बहुत गंदे तरीके से रिजेक्शन मिलती है लाइक देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु लूज दे हार्ट

तो आपको समझ में नहीं आता था कि यू नो हाउ एम आई व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग लाइक एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ एक सीरील uh, के लिए मैंने ऑडिशन दिया था तो उन्होंने कहा हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है तीन दोस्तों की कहानी है तो इनिशियली कोई बताता नहीं था कि क्या कहानी है या yeah. क्या है बिकॉज यू आर न्यू सो जैसे तीन दोस्तों की कहानी है आप आ जाइए मैंने कहा लेकिन कुछ तो बताइए जैसे नहीं नहीं आप इस डे के दिन आप शूट पर आ जाइए आई सेट ओके और मैं उस शूट पर पहुँच गया और उन्होंने मुझे ऐसा थोड़ा सा स्केरी मेकअप वेकअप करके रख दिया एंड फिर वो मुझे लोकेशन में लेके गया आइए शूट करना है तो वहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे बेड के नीचे घुसा दिया और बोला ऐसे लेट जाओ मैंने कहा मैं लेट गया बिकॉज आई वॉज़ न्यू तो शॉट ले लिया उन्होंने तो मैं डायरेक्टर के पास गया मैंने कहा भाई ये क्या है पूरी डेड बॉडी थी आपकी अच्छा बट आपने कहा कि तीन दोस्तों की कहानी है बोले हाँ हाँ तीन में से एक मर गया दो उसका बदला लेंगे तो यू आर द डेड बॉडी यू नो सो आई गेस वेट यू स्टार्ट फ्रॉम देर, जब आपको कुछ पता ही नहीं होता कि मैं जा कर रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ एंड सो वहाँ से स्लोली स्लोली अंडरस्टैंडिंग वॉट इज हैपनिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है सो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस इज अ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस एंड आई पर्सनली फील जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं होते हैं तब तक आप सीख नहीं सकते यू नो आई मैन ए क्राफ्ट आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर मैंने ऑन जॉब सीखा है सो आई गैट जब ऑन जॉब सीखते हैं इट गिव्स यू मोर एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली गॉट योर फर्स्ट एक्टिंग ब्रेक जब आपको पता चला कि ये ऑडिशन आपने क्रैक कर लिया है और ये ऐसा रोल नहीं एकदम लीड रोल आई थिंक एक स्टार प्लस की सीरीज थी चेहरा बियॉन्ड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड की वो मुझे मिली थी सो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट सीरीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टार प्लस के लिए थी वहाँ से शुरुआत हुई थी गर्व धनवंत राय वॉज अटॉज अ रिच टाइकून बिजनेस टाइकून जो थोड़ा ग्रे शेड भी थी उसमें सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ये बहुत बहुत सालों पहले की बात है सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा चली नहीं थी <laughs> वो लिमिटेड एपिसोड तक ही चली थी बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज स्टार प्लस पे उस समय एक सीरीज आना वेर यू आर द फेस ऑफ द शो Uh, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय एंड वैन यू आर जस्ट स्टिल स्ट्रगलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ल्ड फंक्शन यू नो बिकॉज आपको उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था आपसे कोई कहता था यहाँ जाओ तो आप वहाँ चले जाते थे आपसे कोई कहता था यहाँ जाओ वहाँ चले जाते थे सो आई गेस इट टेक्स टाइम बट यू नो मोहित जब आपको कुछ पता नहीं होता आप, आपको आइडिया नहीं होता और लोगों को पता है कि आपको आइडिया नहीं है आसपास तो लोग इजीली आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर एटलीस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कितने टाइम आपको लगा कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर यू नो दे ट्राइंग टू डू दिस वो तो बहुत बाद में समझ में आता है इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली देर आर पीपल बट देर आर गुड पीपल ऑल्सो आई मीन आई द क्रेडिट अवे बिकॉज अगर अच्छे लोग नहीं होते तो ट्रस्ट में आप सस्टेन नहीं कर सकते हर इंडस्ट्री में गुड एंड बैड इज़ देर इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू आर इंडस्ट्री इन एवरी प्रोफेशन यू विल मीट सम गुड पीपल एंड यू विल मीट सम नॉट सो गुड पीपल यू जस्ट हैव टू लर्न यार आपको अपनी मिस्टेक से खुद सीखना है आप uh, किसी और की मिस्टेक से सीख नहीं सकते सो so, इसलिए मैं अभी जब मुझसे अब लोग पूछते हैं कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ मैं कैसे करूँ तो जब मुझे मेरे पास एक्चुअली गाइडेंस नहीं थी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई डेंट नो एनी वन हुट गॉन टू दिस फील्ड एंड उन दिनों सोशल मीडिया भी इतना नहीं था अवेयरनेस uh. इतनी नहीं थी सो so, आजकल क्या है एवरी थिंग इज़ वेरी इंस्टेंट यू कैन मैसेज द ट्टिंग डायरेक्टर ऑन एनी सोशल साइट यू कैन सेंड दम दिक्चर्स उनके नंबर्स ईजीली मिल जाते हैं उन दिनों वो सब नहीं था सो आई गेस मैं आप सबको ये गाइड करता हूँ कि भाई यू डू योर होमवर्क करेक्टली

ऑब्वियसली वो आपका फ़ोन नहीं उठाते थे और कभी आप उनसे मिल नहीं पाए मैं आज तक नहीं मिल पाया बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ एज आई सैट कि मैंने टी जब किया उसके बाद टी में ही आई केप्ट केप्टेटिंग स्मॉल स्मॉल स्मॉलर रोल्स सो माई फर्स्ट ब्रेक दैट आई गॉट इनिशियली वॉज फ्रॉम स्टार प्लस हु मैंने उनका एक भाभी सीरीज़ किया था जो पहला सीरीज था जिसमें एक जनरेशन लीप हो रहा था तो वहाँ उनको चार नए चेहरे चाहिए थे जहाँ उन्होंने मुझे एक सिलेक्ट किया था उसके बाद शक्ति सामंता जो हाँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं उनके बेटे एक सीरीज़ बना रहे थे अंतरिक्ष उन्होंने मुझे उसमें चांस दिया उसके बाद उन्होंने मुझे अगेन फिर एक डॉन मुत्तोस्वामी करके एक फिल्म थी रिशिता भट्ट के साथ उन्होंने मुझे उसमें चांस दिया सो यू नो आई केप्ट ऑन गेटिंग स्मॉलर 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 स्माल देन आई डिड चेहरा और चेहरा के बाद आई डिड बंदनी देन आई डिड समथिंग एल्स टिल टू फिर टू के बाद वो एक बिकॉज यू सेट शक्ति समा न बेंगोली रिसेंटली आई डोट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हीज़ अ डिरेक्टर ही वॉज अ रिपोर्टर विद टेलीग्राफ एंड ही आई हैज लुकअप टू हिम एज अ जर्नलिस्ट दैट टाइम हि वॉज अ जर्नलिस्ट एंड टू डे इज अ फिल्म मेकर प्रोतिम दास गुप्ता उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ uh, उस दिन uh, शेयर किया इंस्टाग्राम पर जो मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ हु आर एस्पायरिंग एक्टर एंड हुयरिंग योर मैनी ऑफ दीज एस्पायरिंग एक्टर्स दे हैव दैट इन देयर हेड दैट दे विल ओनली डू लीड रोल्स यू नो कभी क्या होता है ना जब आप सिर्फ उसी चक्कर में पहुँच जाते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ लीड करूँगा मुझे और कुछ करना नहीं ऐसा नहीं है बहुत ऐसे एक्टर्स है जिन्होंने शुरुआती जिंदगी में लीड नहीं किया है यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का जो शो था फौजी ही वॉज नॉट द लीड यू वर सपोज टू डाई हीज दिस दैट मेरा कैरेक्टर मरने वाला था बिकॉज पीपल लव इट सो मच दैट इट बिकेम लाइक अ लीड कैरेक्टर तो बहुत टाइम ऐसा होता है और उन्होंने बोला कि ये जो सारे लोग हैं ना जो लीड करना चाहते हैं छोटे मोटे बड़े इम्पैक्टफुल रोल्स नहीं करना चाहते वो जिंदगी के सबसे बड़े इंसेक्ट से बिटन है और वो है रिग्रेट बिकॉज दे विल बी अ डे विल रिग्रेट डूंग दैट यू हैव नेवर हैड दैट यू सेट दैट यू हैव डन स्मॉल रोल्स हाउ मेनी टाइम्स एज पीपल अराउंड यू मे डी यू फील की नहीं यार यू लुक सो गुड तुमको लीड करना चाहिए सी लोग तो हमेशा गाइड करते हैं आपको अगर आप किसी से एडवाइस मांगने जाओ तो सो so, आई मेरा ये मानना है कि आप किन्हीं दो लोगों की जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते हर किसी की जर्नी अच्छी हो, अलग होती है यू नो you know, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर मैं हाइन में बात करूं और मेरा बैंक अकाउंट बहुत अच्छा होता तो शायद मैं ये नहीं करता आई वुड वेट फॉर सम वन टू अप्रोच मी a bigger project i would work on myself i would uh, do a lot of homework i would work on my craft and then i would want to introduce myself you know but because i don't come from the industry and i don't have the luxury of staying at home and because mumbai used to be what used to be it's still the most expensive city absolutely so when uh, back then you know when we didn't have any money so you <laughs> had no other option to go out of your house and earn money so us i'm talking about myself only कि आपको करना पड़ता था आपको पर डे वाले शोज करने पड़ते थे आपको पर डे वाले काम करने पड़ते थे आ, मुझे आज भी याद है वो टग ऑफ और टग ऑफ और एक सिंथॉल की एड थी बहुत सालों पहले आई थी जिसमें उन्होंने बाहर से एक मॉडल लाया था और यहाँ लड़कों की एक मतलब इट वॉज अ ब्राइड एंड अ ग्रूम वर्सेज टग ऑफ और तो लड़के के साथ जो था उसके दस लोग थे और ब्राइड के साथ भी कुछ दस लोग थे सो आई वॉज द टेंथ पर्सन हु पुलिंग द टग ऑफ और you know because i wanted that money you know so you don't have always the luxury of sitting back at home and choosing the book. so i come, I have come from uh, that uh, part as long as you know what you want as long as you know how to be uh, focused and never compromise on your work and be true to your art and your intent has to be right yeah so, and then i think the god will take care of the rest of the things and koi ज़िंदगी में काम करते रहना चाहिए मतलब देर आर सो मेनी पीपल जो अब भी मैं अपनी मैं अपनी टीम की भी बात करूँ कभी कभी वो लोग कंप्लेन कर देते हैं यार कि दो तो बजे तक काम करना पड़ा है कल रात को और मैं तो सोचता हूँ कि आजकल एक्टर्स ने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया मेरे को तो पागल हो जाता हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि घर पर बैठ के मैं करूँ क्या <laughs> तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि यार जब तक काम है ना तब तक सब्र भी है शुक्र भी है जिस दिन काम नहीं रहा ना

मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैमरा साउथ का है ये कैमरा डीडी का है ये कैमरा टीवी का है ये कैमरा स्टार प्लस का है या और आज भी मैं वही सोचता हूँ कि ये फिल्म का कैमरा है या ये डिजिटल का कैमरा है आई डोंट सी आई डोंट वर्क लाइक दैट आई डोंट वॉन्ट टू वर्क लाइक दैट ऑल्सो अगर आप मैंने जितना भी काम किया आप उसे देखेंगे तो मैंने हमेशा वो काम किया जहाँ मेरा मन किया है काम करने का जैसे अभी आपने शिद्दत की बात की तो कल सनी नहीं यहाँ आए थे वो शिद्दत मूवी जो है वो सनी की मूवी थी बट वो कहानी मुझे इतनी पसंद थी मैं उसमें वो उसका सपोर्टिंग वो काम करना चाहता था मैं दैट वॉज माई चॉइस नो बड़ी फोर्स मी टू डू दैट यू नो सो आई हैव ऑलवेज डेवलप्ड माई रिलेशनशिप विद द कैमरा सनी के साथ अगर भी बात चली रही है तो आप अगरविकी की बात करें उरी की बात करें उरी में माई स्क्रीन स्पेस वॉज वेरी लिमिटेड but that was my choice to do that because i love uniform and i had a you know emotional connection with kashmir because i belong to kashmir i wanted to do that lot of people told me Mohit, this is a, a very bad mistake uh, a career mistake that you're going to make uh, i said nahi yeah but mai karna chahta my heart says it and i did that you know so i think you should listen to your heart listen to your gut what you want to do and just god will give you a thousand opportunities but honestly रेक्टर इज लव अडॉड बट इडर कैरेक्टर राइट टू फॉल बैक ऑनिंग होता है ना आज के जमाने में ऐसा हो गया है इफ यू सी इन द लास्ट टेन ईयर्स हम लोग भी एक्टर्स को एक्टर्स की तरह ट्रीट करने लग गए देर इज एन इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस देर इज अटल एक्सेप्टेंस ऑडियंस एक्सेप्टेंस आज कल पंकज त्रिपाठी परेश रावल को भी कोई सपोर्टिंग नहीं बोलता है दे ऑलवेज दे आर कॉल्ड पैरल लीड्स दे आर डूइंग लीडिंग रोल्स जो पहले नहीं होता था देर वॉज अ प्रोटोटाइप कि ऐसा ही दिखना है ऐसा ही होना चाहिए एक विलन भी ऐसा दिखना चाहिए वो सारे प्रोटोटाइप्स अभी मिक्स हो गए देर कैन बी अ अलन इज वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो एंड देर कैन बी लाइक गुड लुकिंग इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी यू नो डजेंट हैव टू बी मॉन्स्ट्रस बट इंस्टेंट दे हैव टू बी एंड सिमिलरली फॉर हीरोज यू नो टूडे देर आर एक्टर्स लीडिंग डू यू सी दैट शिफ्ट जो आर्टिस्ट है उनके लिए अच्छा शिफ्ट हुआ है oh, अगर आप पहले देखें वेस्ट में ऐसा बहुत होता है अभी भी होता है पहले भी होता था हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया बट फॉर्चुनेटली वी है डिजिटाइजेशन होने के बाद जब भी आ, आपने देखा ओ पे बहुत फ्रीडम है फ्रीडम है फॉर पीपल टू चूज वॉट दे वॉन्ट टू डू द कॉन्टेंट इज डिफरेंट दे कैन टेक रिस्क द डायरेक्टर्स आर टेकिंग रिस्क द प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग रिस्क एक्टर्स आर टेकिंग रिस्क यू नो एक्सेप्टेंस बहुत है आप देखेंगे अभी इट्स अबाउट कैरेक्टर्स इट्स नॉट अबाउट हु इज लीडिंग द शो और हु इज द लीडिंग द फेस बिकॉज कहानियाँ जो हैं इवेंचुअली थोड़ा कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं हमेशा से रही हैं

There was uh, Rajkumar Rao as the best actor popular who played a homosexual character, inspector, police corp, whatever. Then there was uh, Bhumi Pednekar who got best actress critics again for playing a lesbian character in Badhaido. And then there was Sanjay Mishra who got um, best actor critics for Vad. Mm -hmm. And all of them, if you see, I don't know how many of you have noticed this, I'm saying it right. Please tell me if you agree. All the four characters that these actors have played on screen are marginalized characters in society.

पहले वी सी आर वी एच एस होते थे उसके बाद उनका ट्रांजेक्शन हुआ डी वी डी हुई डी वी डी के बाद नाव डी वी डी वैनिश नाव वी हैव ओ टी टी एज वेल सो सेम वे एवरी इंडस्ट्री और एवरी जनरेशन गोज थ्रू ए शिफ्ट वी हैव देयर सो मच एक्सपोजर नाव पीपल हैवे डिफरेंट एंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स नाव यू नो दे आर गेटिंग सो मनी अपॉर्चुनिटीज वी हैव एक्सेस टू ग्लोबल सिनेमा ग्लोबल मूवीज एंड ग्लोबल सीरीज

यू you नो know, um, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे मुझे नहीं पता आपने कितना फेस किया है बहुत एक्टर्स ने फेस किया है हैव ट्रांजिशन फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स दैट दे हैव हैड टू डील विद दैट लेबल ऑफ अ टीवी टैग नॉट दैट इट्स अ प्रॉब्लम बट द वे इट हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट दैम इज अ प्रॉब्लम आई फील दैट देर इज स्टिल दैट कंडीशनिंग जहाँ पे लोग आपको लगता है कि लोग टी को एज अ मीडियम बहुत छोटा बना स्मॉल स्क्रीन दैट होल टैग डिंक दट दैट शुड चेंज बिकॉज

The last series that I did on TV, uh, I think it was on 2017. or you see Digitization or you know there were a lot of uh, OTT platforms which were just coming, coming and yeah. they were making things. So and I was accepted uh, with a lot of love. so I didn't personally face that challenge, I'll be very honest. But yes, I have seen people uh, not taking act television actors very seriously. Uh, it's a different medium. Uh, it's a medium where you require to work 20 hours a day.

हैव स्टार्टेड फ्रॉम टीवी यू नो समबड़ी हैज़ बीन एन एडिटर एंड नाउ ही इज अ वेल अकम्पलिश्ड डायरेक्टर सो लर्निंग प्रोसेस इज सेम दैट ही जस्ट गॉटन द एक्सेप्टेंस आप अगर टी वी की बात करें रोनाड ठाकुर शी केम फ्रॉम टीवी शी इज गेटिंग ग्रेट एक्सेप्टेंस राधिका मदान हैज गॉट फैंटेस्टिक एक्सेप्टेंस एंड या आई थिंक द टाइम्स हैव चेंज बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो I do feel there's a lot of talent in uh, television which needs to be explored, and which finally has, I think, because of OTT, we we recently saw the series uh, Varun Shoheti series that has come out. Yeah, Asur. You know? uh, Asur and the other the one, the Netflix uh, think. Yeah, yeah. Kohra. Kohra. I think that was an amazing series, you know. So it's so good to see people like uh, you know all of us getting opportunity to showcase different talent and uh, to do different roles because.

पर अगर आप इंडियन एक्टर्स को फिल्म एक्टर्स को पूछते थे कि अगर आप क्या आप वेब सीरीज करोगे मैंने मेरा सवाल होता था ये पेटेंट मैक्सिमम पीपल ठीक है बोलते थे कि नहीं करना है और आज <laughs> आज हम उन्हीं को देखते हैं डूइंग अ डिजिटल सीरीज डिजिटल फिल्म बिकॉज द होल मॉड्यूल हैज़ चेंजड कि यू you नो know, हम लोगों ने उनको ईगो एक मसाज दे दिया है कि आप एक फिल्म एक्टर हो आपको ये नहीं करना है ये तो छोटी स्क्रीन है क्यों करना है डू यू सी दैट यू सीन दैट अराउंड यस ऑल ऑफ अस है उसमें दो चीजें थी एक देट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट मीडियम यू नो दे था वी टू पॉइंट हो ये दूसरा टीवी बन जाएगा दे डेंट रियलाइज वॉट इट कुड बी देट सी द फ्यूचर नंबर वन इज दैट एंड नंबर टू इज पैंडमिक यू नो इन पोस्ट पैंडमिक जब पैंडमिक का जो टाइम था एवरीबडी वॉज ग्लू टूवर्ड्स दी टी फेस so they at that point of time realized oh it is uh, uh, there is a lot of future in it yeah and when they saw that everybody was turning around and going towards that side and everybody just joined the uh, bandwagon i okay. think how it's good uh, but i feel somewhere uh, upcoming actors should also be considered for different different uh, parts luckily there is a vast OTT uh, space that everybody can fit in. but I just hope and pray that people newcomers and upcoming people don't get lost and yeah. you know the focus comes on uh, stars or on the faces because eventually the the basic aim of OTT was to get the actors who are not getting their due and the actors who can showcase their talent. वही बड़े बड़े लोग आपके साथ uh, मेरी एक बातचीत हुई थी मुंबई डायरीज रिलीज होने से पहले वॉट अन इनक्रेडिबल सीरीज आई डो नो हाउ मनी ऑफ यू एक्चुअली वॉच्ड मुंबई डायरीज एंड हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली लव कैन जस्ट है वो एक दिल दहला देने वाली शो थी और अभी भी आपका एक सीरीज uh, लॉन्च हुआ है यस एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट देर आर रेव रिव्यूज अबाउट द सेम फोर एपिसोड्स हैव कम आउट डू यू फील दैट एटलीस्ट दे आर गिविंग यू डिफरेंट कैरेक्टर्स अगेन इट्स इट्स गॉट मेनी कैरेक्टर्स दोनों शोज में बट इवेंचुअली प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर बट विथ अ बैक स्टोरी

वो होता है एक सक्सेस स्टोरी ऐसा आता है ना हर जेनरेशन में जो बाकी लोग देख के थोड़ा इंस्पायर होते हैं एंड आई फील दैट यू विल बी वन ऑफ देम फॉर दिस जनरेशन विच विच इज हंग्री फॉर कॉन्टेंट एंड ऑल्सो हंग्री टू गेट दोज रोल्स यू नो लाइक यू दैट दर मस्ट बी अपकमिंग पीपल सो मेनी ऑफ यू गायज हु टू बी आर्टिस्ट कैन ड्राइव इंस्पिरे कमिंग